नमस्ते दोस्तों, ग्रुप थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 42 है। और बच्चों, आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो है कि हमारे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ये सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हमारे क्या होते हैं, इनको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ये क्या होता है, इसको समझते हैं। आप जरा देखिए बच्चों, आपने जैसे कोई एलिमेंट लिया, आपके पास एक ग्रुप है, आपने ग्रुप का एक एलिमेंट पिक किया, एन एलिमेंट, यहां पे मैं लिख देता हूं एन अ ग्रुप जी एन एलिमेंट स्मॉल ए, जो कि कहां से आ रहा है, ग्रुप जी से आ रहा है। एन एलिमेंट ए, इसको इन्वर्टेड कॉमास में कर देते हैं जिससे आपको क्लियरली डिस्टिंक्ट हो कि कहां पे लिखा हुआ है। इन अ ग्रुप जी एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू सेट जी, इसको आप कहोगे कि ये हमारा इज सेट टू बी सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। इफ आप कहोगे कि ग्रुप जी में जो एलिमेंट ए है ये आपका सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा, कब, जब आप इस एलिमेंट ए को ऑपरेट करो टू टाइम्स, मींस कि एलिमेंट ए इज ऑपरेटेड टू टाइम्स, और आपको ये जब टू टाइम्स ऑपरेट हो तो आपको ये क्या दे दे, आइडेंटिटी। क्या दे दे आपको, आइडेंटिटी, दैट इज आप एलिमेंट ए, फिर जो भी आपका गिवन बाइनरी ऑपरेशन आएगा वो आप यहाँ पे स्टार डॉट स्मॉल सर्कल कैसे भी दिखा सकते हैं। बट अब धीरे धीरे बच्चों हम लोग एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो इतना जरूरी नहीं है कि आप बाइनरी ऑपरेशन मेंशन करो क्लियरली। ये आपकी और हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप ए एलिमेंट ए, फिर उसके बाद फिर से आप एलिमेंट ए लिख रहे हो, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में आपका जो गिवन ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो होगा ही होगा। तो इसका क्या मतलब है कि आपने ए को ऑपरेट किया है टू टाइम्स विथ इटसेल्फ, और जब ये टू टाइम्स आपका एलिमेंट ऑपरेट हुआ है तो इसने आपको क्या दे दिया है, आइडेंटिटी। क्या दे दी है आपको, आइडेंटिटी। तो अगर आपको ग्रुप में कोई ऐसा एलिमेंट मिले जिसको जब भी आप टू टाइम्स ऑपरेट करो और आपको आइडेंटिटी मिल जाए, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो एलिमेंट आपका सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। वो आपका कैसा एलिमेंट है, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अभी देखा था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, उसी को हम लोगों ने एक्सटेंड किया है। तो इसी में हम लोग सबसे पहला जो टर्म पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सेल्फ इनवर्स एलिमेंट के बारे में। तो आपको ये क्यों कह रहे हो आप इसको सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, आपका एलिमेंट ए सेल्फ इनवर्स क्यों कहला रहा है, कोई तो रीजन होगा। ऐसे ही तो किसी चीज का नाम नहीं पड़ जाता कि हाँ आज उठे इसका नाम पड़ गया सेल्फ इनवर्स क्योंकि ये टू टाइम्स ऑपरेट होता है। बट इसके पीछे एक लॉजिक है। सेल्फ का मतलब आप क्या समझते हो, कि कोई काम करने के लिए आप खुद में सफिशियंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से आप जानते हो कि अगर ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को रहना है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट ए होते हैं जिनको आप सेल्फ इनवर्स एलिमेंट बोलते हो, तो ये क्या कहते हैं कि हमें इनवर्स ढूंढने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना इनवर्स ढूंढना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये खुद में ही अपने आप के इनवर्स होते हैं। मीन्स कि जब ये एलिमेंट खुद से ऑपरेट होते हैं खुद में, तो ये आपको क्या दे देते हैं, आइडेंटिटी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप एलिमेंट ए को सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है इसका इनवर्स क्या होगा, खुद यही एलिमेंट। इसको मैं अभी प्रूफ भी कर सकता हूं और मैं इसको प्रूफ भी करता हूं आपको, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि अगर आप किसी ग्रुप में किसी एलिमेंट को सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कह रहे हो तो आप क्यों कह रहे हो। डेफिनेशन आपको क्लियर है, वो क्या कहती है कि जो भी एलिमेंट टू टाइम्स ऑपरेट होने पे आइडेंटिटी देगा वो आपका सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहलाएगा। बट अब हम कह रहे हैं कि ये क्यों सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कहलाता है, उसको देखिए जरा, आप जरा इसको देखिए।
तो देखिए बच्चों, रीजन इसका क्या है, रीजन अब इसका रीजन देखिए बच्चों, आपने एलिमेंट आपका जो है ये ग्रुप में बिलोंग कर रहा है, तो इस एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो लेट या लिख देते हैं कि सिंस सिंस आपका एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी में, सो इसका जो इनवर्स होगा, सो इट्स इनवर्स, इसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं, ए की पावर माइनस वन ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स की क्योंकि एलिमेंट कहां पे बिलोंग कर रहा है, ग्रुप में, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जिसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, ए की पावर माइनस वन, मतलब कि ए सुपरस्क्रिप्ट में माइनस वन से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक नोटेशन है बच्चों, मीन्स की आपका ये एलिमेंट सेट जी में, तो उसका इनवर्स भी कहां पे बिलोंग करेगा, सेट जी में। और सच दैट आप सब जानते हैं, इतने क्लासेस से हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ आप ऑपरेट करोगे, तो एलिमेंट जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन होगा वो आएगा, फिर उस एलिमेंट का इनवर्स उसके साथ जब भी आप ऑपरेट करोगे, तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आइडेंटिटी। याद जानते हो कि जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। अब देखिए, नाउ इफ अगर आप कहते हो कि ए इज सेल्फ इनवर्स, ए हमारा क्या है, सेल्फ इनवर्स, नाउ इफ ए इज सेल्फ इनवर्स देन आपका कहने का क्या मतलब है, क्या डेफिनेशन है कि आप ए को जब भी आप टू टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी, ये हमारी डेफिनेशन है सेल्फ इनवर्स की। अब आप क्या कह रहे हो कि ए अगर आपका सेल्फ इनवर्स है तो पक्का जब आप उस एलिमेंट को टू टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको वो क्या मिलेगी, आइडेंटिटी देगा। अब देखिए बच्चों, कहने का क्या मतलब कि ए को खुद ए के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है, आइडेंटिटी। अब एक काम करते हैं बच्चों, हम दोनों साइड राइट से ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जो भी मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या कि जो भी गिवन बाइनरी ऑपरेशन है उसके साथ ऑपरेट करते हैं, मीन्स की ए ए आपका दिया हुआ है, यहां पे हमने ए के इनवर्स के साथ यहां पे भी ऑपरेट किया राइट साइड से और इधर भी ऑपरेट किया राइट साइड से, ठीक है, ये तो क्लियर है हम लोगों। और आप सब जानते हो कि आइडेंटिटी कैसा एलिमेंट होता है, कि जब भी किसी भी एलिमेंट को, ग्रुप का कोई भी एलिमेंट को जब भी आप आइडेंटिटी से ऑपरेट करते हो, आइदर फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आइडेंटिटी क्या करता है, हमेशा आपको वही एलिमेंट दे देता है। ये आइडेंटिटी का क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेफिनेशन भी है कि आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है ग्रुप में सच डेट जब भी आप उसके साथ कोई भी एलिमेंट को ऑपरेट करो तो आइडेंटिटी वही एलिमेंट दे देगा। तो यहां पे देखिए, ये क्या है, ए का इनवर्स, ये भी कहां बिलोंग करता है, सेट जी में। तो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को जो ग्रुप में है उसको जब भी आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आपको क्या दे देगा, वही एलिमेंट दे देगा। तो जब आइडेंटिटी के साथ हमने ए के इनवर्स को ऑपरेट किया तो आपको क्या मिलेगा, ए का इनवर्स। और आप ये भी जानते हो कि जब भी आप एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। तो ये हो गया ए, ये हो गया ए, यहां पे एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट किया तो यहां पे आ गया आइडेंटिटी। और यहां पे ऐसे नहीं लिखा है कि हमने ए ही लिख दिया है, कोई कंबाइंड टर्म नहीं है, ये ए एक एलिमेंट अलग है, ई एक अलग एलिमेंट है और इनके बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन है। जो भी आपको ग्रुप मिलेगा वो आप यहां पे मेंशन करोगे, तो यहां पे मैं क्लियरली मेंशन नहीं कर रहा हूं, बट हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपने एलिमेंट ए और एलिमेंट ई लिखा है तो इनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट है। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन के हिसाब से यहां पे क्या आ जाएगा, जब आइडेंटिटी के साथ आप ए के एलिमेंट ए के इनवर्स को ऑपरेट करोगे तो आपको ए के एलिमेंट ए का इनवर्स ही मिलेगा। फिर से यहां पे लगा दीजिए आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट को जब भी आप आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी वही एलिमेंट दे देगा। तो आपने एलिमेंट ए को जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट किया तो आपको क्या मिला, ए। तो आपने देखिए, आपने हमें पता नहीं था कि जो एलिमेंट ए है उसका इनवर्स क्या आएगा, बट हमें ये पता था कि अगर आपका ये एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तो हमने उसकी प्रॉपर्टी निकाली, तो हमें पता चला कि जो एलिमेंट ए है
जिसको आप सेल्फ इन्वर्स बोल रहे हैं उसका इन्वर्स क्या आता है, खुद वही रीमेन। और देखिए ये प्रूव भी हो गया, हमने प्रूव भी कर दिया। आप देखिए ए का इन्वर्स क्या आया, खुद ए ही आया। तो ये डेफिनेशन आप ये पढ़ी कैसे, मतलब ये नेम आपको आया कैसे कि वही रीमेन हमारे सेल्फ इन्वर्स कहलाएंगे जिनको जब आप टू टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। तो कहने का क्या मतलब कि ये जो एलिमेंट होते हैं जिनको आप सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट कहते हो, तो इनका कहने का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है इनका इन्वर्स खुद यही एलिमेंट है, कहीं और जाने की एलिमेंट, वहीं कोई और जाने की किसी भी एलिमेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि वो आपके एलिमेंट ए का इन्वर्स बनेगा। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट कैसे होते हैं, मीन्स कि वो एलिमेंट आपके सेल्फ इन्वर्स कहलाएंगे जिनको जब आप टू टाइम्स ऑपरेट करोगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। सेल्फ इन्वर्स मीन्स कि उन एलिमेंट्स का इन्वर्स खुद वही एलिमेंट है, मतलब कि एलिमेंट ए अगर सेल्फ इन्वर्स है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, खुद एलिमेंट ए ही। तो ये हमने बात करी अभी, अभी हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे आपको ये और क्लियर होगा। अब देखिए मोर ओवर an element A is self inverse, अगर आपका element A self inverse है तो आप क्या जानते हैं, so कहने का क्या मतलब कि A को जब आप two times operate कर रहे हैं तो आपको identity मिल रही है। तो ये क्या imply कर रहा है, तो it implies कि जो ऑर्डर होता है सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट का वो बच्चों हमारा टू होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि समझ के रख चलना है कि जिन एलिमेंट को आप सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट बोलोगे तो उन एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है, टू। ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जिनको आप टू टाइम्स ऑपरेट करोगे और आपको आइडेंटिटी मिल जाए। और ये जो सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट होते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है बच्चों, टू होता है। और एक चीज और, यहां पे एक चीज और देखिए, ऑल्सो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका जो ग्रुप में होता है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट इज सेल्फ इन्वर्स, ये भी आपका सेल्फ इन्वर्स होता है। मींस कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है बच्चों ये भी आपका सेल्फ इन्वर्स है। अब कहोगे आप कैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका सेल्फ इन्वर्स कैसे है, एस अगर आप देखो जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, और जब भी अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट, कुछ और तो मिलेगा नहीं। तो आप देख सकते हो कि आपका आइडेंटिटी बिलोंग करता है ग्रुप में और इसको जब आपने टू टाइम्स ऑपरेट किया तो आपको क्या मिली, आइडेंटिटी। तो जब आपने आइडेंटिटी एलिमेंट को टू टाइम्स ऑपरेट किया और आपको आइडेंटिटी मिली तो ये क्या डिफाइन कर देता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी हमारा क्या होता है, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट। ये आपको एक पॉइंट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट क्या है, सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट हम लोगों ने बहुत अच्छे से अभी पढ़ रखा है, अगर आपको वो पढ़ना है तो ऊपर आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी डिस्कस क्या कहता हूं इंसर्ट कर दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा जरूर। तो आपको कहने का क्या मतलब है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये भी हमारे क्या होते हैं, सेल्फ इन्वर्स। अब बात आती है इसमें एक चीज बच्चों, उसको आप जरा ध्यान से देखिएगा, तो आप ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैं रेड से इसको कर देता हूं आपको क्लियर हो। अब जरा देखिए कि जो भी ऑर्डर निकालना आप जानते हैं हर एक एलिमेंट का, तो हम लोगों को मेन टास्क क्या रहेगा, जो बड़ा सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वो ये कि किसी ग्रुप में कितने सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है, जरा वो फाइंड करिए। तो आपको बता दूं कि जितने भी आपका टास्क क्या रहेगा कि जितने भी ऑर्डर टू के एलिमेंट होंगे वो सारे सेल्फ इन्वर्स कहलाएंगे, मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, एवरी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू
हमारा क्या होता है सेल्फ इनवर्स इनवर्स एलिमेंट, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट मीन्स कहने का क्या मतलब है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि किसी भी ग्रुप में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको ऑर्डर निकालना मैंने सिखाया है, आप वही चीज लगाएंगे कि आप क्या करेंगे हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकालिए और जितने भी आपको एलिमेंट ऑर्डर टू के मिलेंगे आप उनको क्या कहोगे कि वो हमारे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है। बट आप इसका कन्वर्स नहीं कह सकते हो, बट इसका आप कन्वर्स ट्रू नहीं है, मीन्स कि बट हर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ऑर्डर टू का हो ऐसा जरूरी नहीं है। बट ऑर्डर टू का अगर कोई एलिमेंट है तो वो सेल्फ इनवर्स है, बट सेल्फ इनवर्स एलिमेंट सारे ऑर्डर टू के नहीं होते। क्यों नहीं होते उसका रीजन है, बट कन्वर्स, बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अब कन्वर्स क्यों नहीं ट्रू है जरा उसको देखिए, बट कन्वर्स नॉट ट्रू रीजन देखिए, एज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, अभी हम लोगों ने देखा एज आइडेंटिटी एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स। और अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं जितने भी एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं, बट जो ऑर्डर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का वो हमारा वन होता है। दिस इज द रीजन कि आप उसका कन्वर्स ट्रू नहीं कर पाते, मीन्स कि जो भी एलिमेंट ऑर्डर टू का है वो सेल्फ इनवर्स है, बट हर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ऑर्डर टू का हो ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, बट उसका जो ऑर्डर है वो हमारा क्या होता है बच्चों, वन होता है हमेशा। इसको आप एज अ पॉइंट की तरह आप नोट भी कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं लिख देता हूं क्लियरली कि आपको ये चीज माइंड में रहनी चाहिए हमेशा, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो उसमें आप हमेशा माइंड में रखेंगे कि एन अ ग्रुप जी ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज वन। ये हमेशा आपके माइंड में हो, आपको एज अ प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं डायरेक्ट कि जो भी ग्रुप जी होगा, कोई भी ग्रुप होगा, कैसा भी बाइनरी ऑपरेशन उसमें दिया जाए, उसमें अगर आपसे कभी भी पूछे कोई कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हमेशा आप क्या कहोगे कि कोई भी ग्रुप होगा, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर हमेशा बच्चों क्या होगा, ऑलवेज वन, इज ऑलवेज वन। डेट इज, यहां पे मैं क्लियर कर दू इसको, डेट इज ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट इज वन। और एक और चीज आप यहां पे माइंड में रखिएगा वो ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर वन हो, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कि कितनी यूनिक पोजीशन मिली हुई है ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट को। एक तो उसके जैसा कोई एलिमेंट नहीं, उसकी प्रॉपर्टी सबसे यूनिक कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर दो आइडेंटिटी वही एलिमेंट दे देता है। अब एक चीज और पता चल रही है कि कैसा भी ग्रुप हो, कहीं का भी, कैसा भी उसमें बाइनरी ऑपरेशन हो, हमेशा जो ऑर्डर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का वो हमेशा आपका बच्चों क्या होगा, वन होगा, ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। और ऐसा नहीं है कि और भी हो, इसके अलावा ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी आप दुनिया का ग्रुप ले आए जिसका ऑर्डर वन हो। तो यहां पे मैं मेंशन भी कर देता हूं, ऑल्सो आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन इन ग्रुप जी। तो ये आपके लिए एज अ पॉइंट है जिसको आपको समझ के रखना है, बहुत आराम से मैंने आपको बताया
कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है। सेल्फ इनवर्स एलिमेंट में आपने देखा कि आप फाइंड कैसे करोगे, आप क्या करिए, सिंपली वो एलिमेंट चेक करिए जिनका ऑर्डर टू है, जिस भी एलिमेंट का आपका ऑर्डर टू का होगा वो आपका क्या होगा, सेल्फ इनवर्स। बट कन्वर्स नहीं ट्रू है, मतलब कि हर सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ऑर्डर टू का हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये सेल्फ इनवर्स है बट इसका ऑर्डर वन है, तो ये आपके माइंड में रहेगा। और आपको एक चीज और मैंने बताई कि हमेशा जो ऑर्डर होता है आइडेंटिटी एलिमेंट का वो वन होगा, और जो आइडेंटिटी होगा यही एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसका ऑर्डर वन है, और कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर वन हो, बस और सिर्फ किसका राइट है वन पे, आइडेंटिटी एलिमेंट का, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही है जिसका ऑर्डर वन है और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वन नहीं होगा। तो ये जो हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना पेशेंस के साथ आपने जो पूरा इतना समझा, अब इसका फ्रूट लेने का मतलब आ गया है समय, मतलब कि अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे और इस चीज को जो हमने समझा उसको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मजबूती से आपको समझ में आ जाए, उसके लिए एग्जाम्पल से उसको और परफेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो मैं बोर्ड रफ करता हूं और आपको एग्जाम्पल कराता हूं। चलिए अब हम इसी बार में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एक बार फिर से निकालना सीखते हैं, और जो अभी हम लोगों ने सेल्फ इनवर्स एलिमेंट के बारे में पढ़ा उसको देखते हैं कि आप कैसे चेक करोगे कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट ग्रुप में कौन है और कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हमने ग्रुप लिया U12 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12। आप सबको मैंने पढ़ाया हुआ है कि ये हमारा क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अगर आप U12 को देखना चाहोगे कि इस U12 में कौन कौन से हमारे नंबर्स आते हैं, तो आपको बताया था मैंने कि वो सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 12 से क्या होंगे, छोटे और कोप्राइम होंगे 12 के, मींस कि जिनका जीसीडी 12 के साथ क्या आएगा, 1। तो एक आ जाएगा 1, एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 7 और एक आ जाएगा आपका 11। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका U12 में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो आप कहोगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1, तो आप क्या कहोगे, 1, क्योंकि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उनका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 1। और आपको एक चीज और बताई कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये हमारा सेल्फ इनवर्स भी एलिमेंट भी होता है, तो 1 हमारा क्या है, 1 इज ऑल्सो सेल्फ इनवर्स। तो देखिए, पहला एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आपका सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता है, तो आपको पता है, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1। अब बात करते हैं 5 का, 5 तो आइडेंटिटी नहीं है तो इसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा, तो 5 को जब हमने 1 टाइम ऑपरेट किया तो आपको क्या मिला, 5। बट क्या 5 हमारा आइडेंटिटी है, खुद से पूछिए, नहीं, आइडेंटिटी तो हमारी 1 है। तो आप क्या करिए, बट 5 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे, 5, अब फिर से मैंने बताया ना कि अब क्या आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, तो वो लिखिए बीच में, क्या है बाइनरी ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 फिर 5। तो जो अभी तक मैं मेंशन नहीं कर रहा था वहां पे अभी प्रीवियस स्लाइड में, कि वो कि आपको मैंने स्पेस छोड़ दिया था कि जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा वो 2 एलिमेंट के बीच में आएगा, यहां पे हमें पता है कि ये हमारा मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 है, तो हमने लिख दिया इसको 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 5। तो आप जानते हैं बच्चों कि जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 25, और 25 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो आप बताइए, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी हाँ है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि जो ऑर्डर है 5 का वो बच्चों हमारा क्या आया, 2। और आप देखिए 5 का ऑर्डर 2 आया, तो 5 हमारा कैसा हुआ, 5 हमारा हुआ सेल्फ इनवर्स, 5 इज सेल्फ इनवर्स। तो आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको देखना है, कैसे आपको पहचानना है कि सेल्फ इनवर्स एलिमेंट कौन है कौन नहीं। और ये आपके लिए एज अ वर्क है कि आप निकाल दिए, सिमिलरली जो ऑर्डर होता है 7 का और जो ऑर्डर होता है 11 का, ये भी हमारा 2 होता है। करेंगे क्यों, 7 को जब आप 1 टाइम ऑपरेट करेंगे तो 7 आएगा, और जब 7 को आप 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे तो आएगा 49। मीन्स कि 7 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करेंगे, 7 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 7,
तो 7 7 49 49 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, क्योंकि क्या है आइडेंटिटी। तो 7 का ऑर्डर क्या होगा 2, मीन्स कि कितने टाइम्स ऑपरेट करने पे आपको आइडेंटिटी मिल गई है 2 टाइम्स। सिमिलरली 11 को जब आप 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको 11 मिलेगा, पर जब आप 11 को 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे 11 मल्टीप्लीकेशन मॉडल 12 11 तो 121, 11 इंटू 11 121, और 121 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, और 1 हमारा क्या है बच्चों आइडेंटिटी। तो ऑर्डर 11 का भी क्या होगा 2। अब देखिए 7 का भी ऑर्डर 2 है, 11 का भी ऑर्डर 2 है, तो इससे क्या इंप्लाई हुआ हमारा, इट इंप्लाइज कि 7 एंड 11 भी हमारे क्या हुए आर ऑल्सो सेल्फ इनवर्स। ये भी हमारे कैसे हुए सेल्फ इनवर्स। तो सेल्फ इनवर्स क्या आई होगा आपको मीनिंग क्लियर हो रहा होगा। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ। अब आप एक सेकंड देखिए, आपने लिया Z4 एडिशन मॉडुलो 4, इसको भी मैंने आपको बताया हुआ कि ये हमारा क्या है अबेलियन ग्रुप। और आपसे अगर पूछे कि Z4 में एलिमेंट कैसे हैं, तो इसमें आएंगे 0 1 2 3। मतलब कि 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएंगे जो भी हमारा Zm अगर होगा तो m से 1 का, मतलब कि 4 से 1 का मतलब कि 3 तक, तो 0 1 2 3। और आपसे पूछे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 होता है। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछे कोई कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 0, तो आप जानते हैं कि 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1, और 0 हमारा सेल्फ इनवर्स भी है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे क्या होते हैं सेल्फ इनवर्स, एंड 0 इज सेल्फ इनवर्स। अब आपको सेल्फ इनवर्स का मीनिंग भी क्लियर है कि जब आप कह रहे हो किसी एलिमेंट को सेल्फ इनवर्स, मीन्स कि उस एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा खुद वही एलिमेंट, मतलब कि सेल्फ का मतलब खुद, सफिशियंट है, किसी की जरूरत नहीं है हमें। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2, तो हम यहां पे निकाल लेते हैं सिंपली, चलिए निकाल लेते हैं 2 को। अगर आप 1 टाइम ऑपरेट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, जो कि हमारा आइडेंटिटी नहीं है, बट 2 को जब आप 2 टाइम्स ऑपरेट करोगे 2 एडिशन मॉडुलो 4 2, तो 2 प्लस 2 4, और 4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 0 क्या है हमारी आइडेंटिटी। तो इसने क्या इंप्लाई किया कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2, ये आया 2। और अगर आपके एलिमेंट 2 का ऑर्डर 2 आया तो इसने क्या इंप्लाई किया कि 2 इज सेल्फ इनवर्स, 2 इज सेल्फ इनवर्स। और ये एग्जांपल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी लिया हुआ था, तो वहां पर हमने 1 और 3 का भी ऑर्डर देखा था, बट 1 और 3 हमारे ऑर्डर 4 के होते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं, बट ऑर्डर ऑफ 1 और ऑर्डर ऑफ 3 इज 4, सो 1 एंड 3 आर नॉट सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स। वैसे आप इसको निकाल भी सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको निकाला भी है, बट अब मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप उसको निकालेंगे और आप देखेंगे कि 1 को जब तक आप 4 टाइम्स ऑपरेट नहीं करोगे और 3 को भी जब तक आप 4 टाइम्स ऑपरेट नहीं करोगे आपको आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। और इन दोनों 1 और 3 का ऑर्डर, क्योंकि 2 तो आया नहीं, तो 1 और 3 हमारे सेल्फ इनवर्स नहीं हुए, सेल्फ इनवर्स वही एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा और आइडेंटिटी मिलेगी। बस सेल्फ इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होता है, या तो एलिमेंट का ऑर्डर 2 हो, तो चेक करेंगे हम। ये थर्ड वाला बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जरा आप इसको देखिए। ये हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे उसमें आपको बताया था कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ, ये बच्चों हमारा अबेलियन ग्रुप होता है। ये मैंने आपको बताया था, प्रूफ किया था, बकायदा सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन बताई थी, सब किया हम लोगों ने, प्रूफ किया कि जितने भी एग्जाम्पल्स हमने अब यहां पे लिखे हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखा, अगर आपको नहीं पता है इनके बारे में। और आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों इसमें क्या होता है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और जब बाइनरी ऑपरेशन सिमेट्रिक डिफरेंस है वो होता है हमारा एम्प्टी सेट, मतलब कि 5। अब देखिए, आपने जैसे कोई एलिमेंट लिया इन जनरल कहां से, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अब देखिए जैसा सेट होगा वैसा ही उसका एलिमेंट होगा, U12Z4 में आपके नंबर्स थे, यहां पे जो हमारा सेट है वो है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, अगर आप इस सेट से लोगे तो वो सबसेट्स होंगे नेचुरल नंबर के।
ठीक है बच्चों। अगर आप ए को वन टाइम ऑपरेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ए। तो क्या ए आपका, क्या ए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है? नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारा क्या है, सेल्फ इनवर्स। और एक चीज हाँ, और ये जो ए हमने लिया है ये हमने नॉन इंटीरियर, पहली बात तो एक चीज रुकी है, इसको याद बता दें। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो एम्प्टी सेट है इसका ऑर्डर क्या है, तो आप क्या कहोगे, वन, क्योंकि एम्प्टी सेट हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, वन। तो आप ये भी कह सकते हो साथ में कि जो एम्प्टी सेट है ये हमारा क्या है, सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स। तो एक चीज तो हमने फाइंड कर ली कि सेल्फ इनवर्स एक तो हमें मिल गया, कौन सा, एम्प्टी सेट। अगर आपने एक और एलिमेंट लिया, एक आपने एलिमेंट लिया जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, आपने कैसा लिया, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, जो कि क्या होगा, सबसेट होगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, अगर ये आपका ए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है तो क्या होगा, वो होगा हमारा सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये हमने नॉन एम्प्टी लिया क्योंकि एम्प्टी सेट के बारे में हम जान गए। अगर हमें ऑर्डर देखना है किसी एक नॉन एम्प्टी सेट का, तो उसका ऑर्डर क्या है, तो जब आप ए को वन टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। बट क्या ए हमारा एम्प्टी सेट है? नहीं, क्योंकि हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ है, इसलिए हमारा क्या है, नॉन एम्प्टी। तो आइडेंटिटी तो नहीं आई फर्स्ट टाइम ऑपरेट करने पे। बट जब आप ए को टू टाइम्स ऑपरेट करोगे, मीन्स की ए आपकी बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर ए। तो आप देखिए, तो कैसे सिमेट्रिक डिफरेंस काम करता है, दोनों सेट का क्या लीजिए, यूनियन, दोनों सेट का क्या लीजिए, इंटरसेक्शन। अगर आपको सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में पढ़ना है या पूरा इसको प्रूफ कर, प्रूविंग देखनी है कैसे हमारा अभिन्न ग्रुप है, तो ऊपर आई बटन है उस पर क्लिक करके उसको आप जरूर देखिए और फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो अगर आप ए का यूनियन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए। तो अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, ए। और ए माइनस ए करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा। तो अब देखिए, जब आपने ए को वन टाइम ऑपरेट किया तो आपको आइडेंटिटी नहीं मिली, बट जैसे ही आपने ए को टू टाइम्स ऑपरेट किया आपको आइडेंटिटी मिली। तो इससे क्या इंप्लाई हुआ, इससे इंप्लाई हुआ कि जो ए है इसका ऑर्डर बच्चों क्या आया, टू आया। और अगर एलिमेंट का ऑर्डर टू आया तो ये आपका जो ए है ये क्या हुआ, सेल्फ इनवर्स हुआ, सेल्फ इनवर्स हुआ, सेल्फ इनवर्स हुआ। अब ये बताइए जरा बच्चों, पीएन मतलब कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें या तो एम्प्टी सेट होगा या तो सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे, और सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर में भी हमने देखा इन जनरल हमने एक एलिमेंट पिक किया था पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से जिसका ऑर्डर क्या आया, टू आया। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, नोट की तरह आप इसको देखें, कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है जो सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ अबेलियन ग्रुप है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे सेल्फ इनवर्स हैं। मींस कि ऑल, यहां पे मेरा रेड मार्कर क्यों नहीं चल रहा है, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया, चल गया। देखिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अबेलियन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अबेलियन ग्रुप आर सेल्फ इनवर्स। ये इसको अच्छे से लिखें, ऐसे इसका वर्डिंग अच्छी नहीं आ रही है कि इसको ऐसे लिखते हैं इसको, इन पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्रिक डिफरेंस, जो कि हमारा एक अबेलियन ग्रुप है, सारे एलिमेंट्स क्या है, सेल्फ इनवर्स होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ इनवर्स, ऑल एलिमेंट्स आर सेल्फ इनवर्स। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं ये लेक्चर देखने के बाद आपको सेल्फ इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेल्फ इनवर्स होता क्या है वो आपको पता होगा, और आप खुद से आप ग्रुप लीजिए, उनके एलिमेंट को काउंट करिए, उनके ऑर्डर निकालिए, और जो भी ऑर्डर का, जो भी एलिमेंट का ऑर्डर टू आए
आप उनके सामने लिख दीजिए कि वो सेल्फ इनवर्स, खुद से करिए ये चीजें, आपको और अच्छा लगेगा, मजा आएगा। जैसे देखिए पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सिमेट्रिक डिफरेंस में सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेल्फ इनवर्स होंगे। कैसे हम कह पा रहे हैं, एम्प्टी सेट था उसको देख लिया, फिर हमने एक नॉन एम्प्टी इन जनरल हमने सबसेट लिया नेचुरल नंबर का, उसको भी अगर आपने प्रूफ किया तो क्या आया, उसका ऑर्डर टू आया। अगर ऑर्डर टू आया तो वो सेल्फ इनवर्स है। तो मैं पूरी गारंटी के साथ आप कह सकते हैं हम लोग इसमें कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ जो कि अबेलियन ग्रुप है उसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेल्फ इनवर्स। U12 में देखा कि इसमें सारे एलिमेंट हमारे सेल्फ इनवर्स हैं, 1, 5, 7, 11 सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है। जैक 4 में सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 ही हमारे सेल्फ इनवर्स है, 1 और 3 हमारे सेल्फ इनवर्स है। तो आप खुद से करिए। एक और लेते हैं और ये लास्ट हम लोग लेते हैं, ये भी हमने आपको जो भी हम ग्रुप आपको लिखा रहे हैं या बता रहे हैं जिनके बारे में वो सारे हम प्रूफ करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से आसमान से तोड़ के आपको बता रहे हैं, नहीं, आपको सारा प्रूफ किया, आपको सब बताया हुआ है, तब मैं यहाँ पे इस सिचुएशन में हूँ जिसमें मैं आपको डिफाइन कर सकूं और बता सकूं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन किसमें क्या है, कैसे आप चेक करोगे इनवर्स, सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर आपके पास सेट जी है 2x2 की मैट्रिक्स का जिसमें सारी एंट्रीज क्या है सेम, और ए हमारा आता है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर से, ठीक है बच्चों, और बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो इसमें आपको बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों क्या होता है, इस जितने भी ग्रुप है सबके आई बटन ऊपर आपको मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे जिसमें सारे ग्रुप के जो हमने सॉल्व किए हैं सबका आपको मिलेगा डिटेल, आप जाके लेक्चर को देख लीजिए। 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ये क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास ग्रुप ये है जिसमें सारे 2x2 की मैट्रिक्स है जिसकी एंट्री सेम है और बाइनरी ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, और उसमें आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज दी ऑर्डर ऑफ 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो आप क्या कहोगे कि ये तो सर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर 1 होगा और ये हमारा जो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 है ये हमारा सेल्फ इनवर्स भी है। सेल्फ इनवर्स क्यों है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आपको मैंने बताया कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं उनको आप सेल्फ इनवर्स एलिमेंट भी बोल सकते हो, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। अगर एक और एलिमेंट लेते हैं इसमें उसको चेक करते हैं कि वो हमारा सेल्फ इनवर्स है कि नहीं, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इसको जरा चेक करते हैं बच्चों। अगर आप इसको 1 टाइम ऑपरेट करोगे तो आपको यही मिल जाएगा -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। अब इसको ये तो आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट तो 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 है और यहाँ पे क्या है -1/2, तो फिर से एक बार और ऑपरेट करते हैं, मतलब कि इसको 2 टाइम्स ऑपरेट करते हैं। जब आप इसको -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 को 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हो, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, अब क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन बच्चों क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। देखिएगा तो इस पूरी रो को, फर्स्ट रो को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम से, तो आएगा क्या हमारा 1/4 + 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया फिर प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो यहां पे क्या होगा, फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से कराओगे तो 1/4 + 1/4, आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो 1/4 + 1/4, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कराएंगे तो 1/4 + 1/4। आप जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4, 2/4, 2/4। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये क्या आएगा बच्चों हमारा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तो ये क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी।
मीन्स कि ये जो हमारा एलिमेंट था माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, इसको जब हमने वन टाइम ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी नहीं मिली, बट जैसे ही हमने इसको टू टाइम्स ऑपरेट किया तो हमें आइडेंटिटी मिल गई। आइडेंटिटी हमारी क्या है आपकी, वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू, क्योंकि आपके हमारा जो सेट है वो कैसा है, टू क्रॉस टू की मैट्रिसेस का। यहाँ पे जो सेट था वो हमारा सेट था सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर का, यहाँ पे हमारे नंबर्स का सेट था। तो आप कह सकते हो कि ये जो हमारा ग्रुप है इसमें जो ये हमारा एलिमेंट है माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, इसका अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे इसका ऑर्डर टू है, एंड ये जो हमारा एलिमेंट है माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ये हमारा सेल्फ इनवर्स भी है, ये सेल्फ इनवर्स। तो आज का पूरा लेक्चर देखिए कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जाना और आज हम लोगों ने सेल्फ इनवर्स के बारे में जाना और कैसे आप ग्रुप में सेल्फ इनवर्स एलिमेंट फाइंड करोगे वो जाना। कुछ नहीं करना है आपको, जो बाइनरी ऑपरेशन मिले आप उस एलिमेंट को ऑपरेट करते जाओ, अगर आपको मिलेगा आइडेंटिटी और वो अगर आपको आइडेंटिटी मिल जाती है और टू टाइम्स ऑपरेट करने पे आपको आइडेंटिटी मिलती है तो इस एलिमेंट को आप क्या कहोगे कि वो आपका सेल्फ इनवर्स होगा। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर आपका क्या होता है, वन, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा सेल्फ इनवर्स एलिमेंट होता ही होता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, आई होप आपको समझ में आया हो, फिर भी कोई पार्ट आपको ना क्लियर हो या कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।